एमपी के रीवा विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए इलेक्ट्रॉनिक चैनल के एक पत्रकार के साथ मारपीट एवं कैमरा छीनने की घटना सामने आई है। घटना की रिपोर्ट थाना चौरहटा में दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि मामले के तथ्यों की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। घटना के संबंध में बताया गया कि शनिवार 4 नवंबर 2023 को सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के धौचट गांव में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की एक सभा चल रही थी कि उस वक्त प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने मतदाताओं से कुछ लुभावनी भरी बातें कह रहे थे, जिसे विराट 24 चैनल के पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। आज आपने शिकायत की है चौराटा थाने में, क्या घटना? दरअसल हम लोग खबर कवरेज करने गए थे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी। अभय मिश्रा जी की खबर कवरेज करने के बाद उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, वहां से लौट रहे थे। रास्ते में धौचट गांव पड़ता है जहां सड़क के किनारे सिमरिया भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की सभा चल रही थी। वहाँ हम लोग कवरेज करना शुरू किए, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस समय विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा कहा जा रहा था कि पायल बांटे तो पायल लो, गद्दा बांटे गद्दा लो, कंबल बांटे कंबल लो, दारू बेचे दारू लो, सब कुछ लो और वोट देना है। चट गांव में पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, उनका कैमरा छीना गया, सर क्या बोलना है? तो ये आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है कि चट गांव में किसी कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों का कैमरा छीनने का शिकायत मिली है और जिसको समर्थन उन्होंने चौहटा थाने में दिया है और जैसे भी शिकायत होगी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।